करती हूँ अपने चैनल मेरी नजर से। और आज फाइनली मैं यहाँ पर टैटू बनवाने आई हूँ, टैटू पार्लर में आई हूँ। और ये जो फंबल हो रहा है ना मेरी वॉइस में, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। बट ये मेरी इच्छा बहुत दिनों से थी, मतलब सालों से थी, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं करी। पर क्योंकि मैं अभी अपने मम्मी के घर आई हुई हूँ तो मेरी भाभी ने मुझे जबरदस्ती करवा दी और हो रहा है। मतलब मेरे पेट में ना अजीब सी ना बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई हो रहा है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो घबराहट के मारे सब कुछ हो रहा है, कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा लग रहा है बनवा लूँ। और बड़ा सोच समझ के एक बड़ा डिसेंट सा मैंने टैटू निकाला है, एक भगवान का। पर अब मैं सोच रही हूँ कि अगर एक भगवान का बनाऊंगी तो बाकी भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे। मैं तो बहुत सारे भगवानों को करती हूँ। मुझे ये भी डर लग रहा है कि अगर मैंने मतलब गॉड की बोली है, तो मुझे डर लग रहा है कि अगर एक भगवान को करूँ तो बाकी भगवान नाराज हो जाएंगे। बट वो फैशनेबल से लग रहे हैं भगवान, इसलिए मैं उनका बनवा रही हूँ बस। अब तो अभी मैं चुपचाप हो जाती हूँ, सारी बटरफ्लाई को शांत कर लेती हूँ। और अब मैं आपको जब ये बन जाएगा फिर मैं आपसे बात करूंगी। फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ और मेरे बटरफ्लाई वापस से स्टार्ट हो चुके हैं। तुम मत देखो मेरे को, चलो वापस का टाइम नहीं है तो क्या नहीं आ रहा है। अरे यार कोई बात नहीं है, ये सब थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ। फाइनली स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस और मुझे फिर से डर लग रहा है। और एक एक स्टेप मैं बताऊंगी। और इस वक्त आप लोग मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत करना, क्योंकि शायद मैं चिल्ला भी सकूं। चिल्लाऊंगी जब मुझे एक सिंपल सी निडल से मुझे डर लगता है तो ये तो क्या टैटू है। ये मैं नहीं, अभी बस वो तो बस हाथ ऐसे चल लगा रहे हैं, अभी तो कुछ अभी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। घबराओ आप, बेचारा घबरा के हाथ रह जा उसका। अभी ये प्रोसेस होगा और मैं चिल्लाऊं तो डरना मत, क्योंकि मैं चिल्लाती ही हूँ। अभी तो वो प्रिंट बना रहे हैं। हाँ कुछ भी करो, है ना, अगर एक है तो डरना नहीं। तो मैं बोलूंगी नहीं तो मेरा स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा, तो समझ रहे हैं। मैं बोलूंगी, सब लोग मजे ले रहे हैं, बन मेरा रहा है लेकिन मजे सब लोग ले रहे हैं। और ये मशीन आ गई है और अब मेरे को लगने वाला है। अब वो वेस्टर्न आउटफिट और फिर वही चढ़े गए। ओ वाओ, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मेरा भी मन है, मेरा भी मन है। अब अच्छा ना बच्चे का फोटो तो आप देखेंगे। और मैं ऐसे रिवीलिंग वाले ड्रेस पहन लूंगी जिसको टैटू दिखे, वार्डरोब भर जाएगा आपका। फाइनली मेरा टैटू बन चुका है।
बहुत सारे पेन के साथ, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हो गए मुझे। मैंने इतने दिनों से जो सोच रखा था कि मुझे करना है करना, वो आज मेरा पूरा हुआ, लेकिन लॉट्स ऑफ पेन। और फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा टैटू कैसे बना है। वैसे आपने वीडियो में देख लिया होगा धीरे धीरे, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। और मुझे नीचे कमेंट्स लिख के बताना कि मेरा टैटू कैसे बना है। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ ठीक है, हाँ पूछूंगी।